हाय गाइस, बाहर कितना पोल्यूशन है ना। मैं भी बाहर से आई हूँ और इतनी ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन एंड स्मोक की वजह से ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एयर ग्लोबल रिपोर्ट, 486 मिलियन इंडियन हाउस होल्ड हैव प्रॉब्लम ऑफ इंडोर पोल्यूशन, विच मीन्स 60% ऑफ आर पॉपुलेशन। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे यूज़ वुड, चारकोल वुड, केरोसिन फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो बायोमासेस फॉर अदर थिंग्स। इसका ये मतलब नहीं है कि अर्बन एरियाज में कुछ कम प्रॉब्लम होती है। लोग किचन से शुरू करते हैं, किचन में मॉड्यूलर किचन या अदर जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, गैस बर्नर से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। साथ ही साथ में हम मस्कीटो रिपेलेंट्स या फिर अगरबत्ती चलाते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, मोस्टली पीपल गेट एस्मा बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एयर पोल्यूशन होता है, ये जो बैड एयर होता है, उसका हमारे लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो अब इसका क्या सोल्यूशन है? बट डोंट वरी, मेरे पास एक नेचुरल सोल्यूशन है इन सब चीज़ों का, और वो है नेचर श्योर का लंग प्योर कैप्स्यूल। लंग प्योर स्मोक और पोल्यूशन की वजह से डैमेज होने वाले टिश्यूज को हील करने में हेल्प करता है। लंग्स को स्ट्रॉन्ग तो बनाने में हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ लंग्स की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। लंग प्योर कैप्सूल स्मोक की वजह से होने वाले कफ से भी रिलीफ प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और गाइस, बेस्ट बात तो ये है कि नेचर श्योर का लंग प्योर कैप्सूल 100% नेचुरल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो गाइस, आप नेचर श्योर का लंग प्योर कैप्सूल तो लीजिए, साथ ही साथ में अपना इंडोर एयर पोल्यूशन भी कम करने की कोशिश कीजिए।